हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ में हिस्सेदारी और बीबीएमबी की रॉयल्टी लेने की मांग की थी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुछ इंटर स्टेट मुद्दे होते हैं, जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। इसी के साथ सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। देखिए, ये कुछ विषय इंटरस्टेट ऐसे होते हैं जो बहुत समय से कुछ न कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत विषय हम भी कहते हैं, बहुत से विषय बाकी लोग भी कहते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर जिसका हक अधिकार होता है वो उनको मिलता है। कहीं कहीं चीज़ें कोर्ट में चली जाती हैं। कुछ चीज़ों पर हम भी कहते हैं कि आपस में मिल बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, और मिल बैठ के चर्चा करेंगे तो रास्ते निकलेंगे। और मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़े ऐसे विषय नहीं है जिसके कारण से हम रास्ते नहीं निकाल सकते। मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी को तो बयानबाजी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे चुका है, हरियाणा का एसवाईएल बननी चाहिए नहर, हरियाणा के पानी को लाने के लिए कम से कम एक चैनल बनाना, एक लिंक नहर बनाना, ये तो हमारा अधिकार भी है और निर्णय भी हमारे पक्ष में हो चुका है। और जहाँ तक पंजाब में आम आदमी पार्टी है, उसको इसका कोई अधिकार नहीं कहने का। और दूसरा, जब हमेशा दिल्ली के लोग हमसे ही पानी मांगते हैं, दिल्ली में जब भी कोई कमी आती है और हरियाणा पर ही सवार रहते हैं कि दिल्ली के वो पानी की आवश्यकता है, मानवता अधिकार पर दीजिए, ये करिए वो करिए। मानवता का तो हमारे यहाँ भी आखिर आवश्यकता होती है। जितना बड़ा दिल्ली की खपत है उतनी खपत हमारी बल्कि पीने के पानी उनसे ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारे शहर भी बड़े बड़े हो गए हैं। गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, झज्जर रोहतक का एरिया, यानी NCR का ही इतना बड़ा एरिया है जिसमें पानी की आवश्यकता हमारी बहुत बन रही है। हम अपने खेती के लिए भी पानी की आवश्यकता हमारी पूरी होती नहीं है, लेकिन पीने के पानी के लिए भी हमारी जो आवश्यकता है ये सब पूरा करने के लिए SOIL फिर से ज़रूरी है। अब एक तरफ हो गया SOIL देंगे नहीं, दूसरे पानी मांगेंगे, तो ये दो विरोधाभासी बातें। मैं बधाई देता हूँ, नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल फिर से लिया है, और न केवल उनको, उनके परिवार को, उनके साथ जो उनको सहायता करने वाले जो खेल जगत के लोग हैं उन सबको, उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। राहुल गांधी हो, जो भी विपक्ष के ऐसे नेता हो, हर चीज़ में से राजनीतिक तौर पर चीज़ों को निकालना, बल्कि ऐसी विकट समस्याओं में तो सबको मिलकर के कोई रास्ता निकालने के लिए सोचना चाहिए। ठीक को ठीक कहें, गलत को गलत कहें, वहाँ पर सिवाय राजनीतिक पैंतरेबाजी के करने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं करना।